सर नेक्स्ट डाउट ये है कि सर बायो प्रोसेस में सर फॉर्मूलास तो पुट कर पा रही हूँ, इवन लाइक आंसर्स भी कुछ कुछ मतलब काफी कुछ आ जाते हैं, पर सर अटक पा रही हूँ सर जहाँ पे यूनिट्स वाला जो है ना वो कहीं कहीं पे एकदम सही तरीके से सॉल्व हो जाता है, और कहीं पे वो यूनिट्स मतलब वो हो ही नहीं पाता सर। तो इसका कोई सोल्यूशन है क्या? मतलब यूनिट कन्वर्जन में ही कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, जैसे हीट ट्रांसफर में LMTD वाला जो फॉर्मूला है वो मैं आराम से लगा लेती हूँ, पर सर जैसे मतलब उसको सॉल्व करते हैं तो उसमें जो यूनिट्स लिखते हैं तो सर उस टाइम पे कुछ गलतियां हो जाती है, तो इसको मिनिमाइज कैसे कर रहे हैं? अब एग्जाम के लिए 4 ही दिन बचे हैं सर, कोई सोल्यूशन है क्या? यूनिट कन्वर्जन तो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सोल्यूशन है। यूनिट कन्वर्जन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है लाइक, पर तब भी सर लाइक कुछ कहीं कहीं पे सिली मिस्टेक हो जाता है सर, या बहुत लाइक एकदम एंड में जाके चीजें गलत हो जाती है। वो जो है लाजमी है, 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर आप सोचोगे कि मैं 100% एक्यूरेसी के साथ पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, वो भी खासकर न्यूमेरिकल्स, तो थोड़ा सा मतलब इत्तेफाक है कि ना हो। लेकिन अगर देखिए एग्जामिनेशन में जो आ चुका है और जो आने वाला है उसमें कहीं मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि एकदम डिफरेंसेस होगा, एकदम सिमिलर होगा, बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। थोड़े बहुत सिमिलरिटीज होंगे तो बहुत सारे डिफरेंसेस भी होंगे। तो इसलिए आप इस नेगेटिव या इस चीज को लेके, एग्जामिनेशन बहुत करीब है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप यूनिट कन्वर्जन को लेके 1, 2, 10, 12 क्वेश्चंस लिखिए, फिर प्रैक्टिस करिए, ये आप 1 दिन में 2 दिन कर लीजिए, लेकिन आप पूरा यूनिट कन्वर्जन 1, 2, 4 दिन में सीख नहीं पाएंगे। और अगर अभी यूनिट कन्वर्जन पे सिर्फ फोकस करेंगे, हो सकता है एग्जामिनेशन में जो पूछे ना बन पाए तो कोई फायदा भी नहीं है। तो बेटर यह है कि इसको, इस चीज को सोचने की बजाय कि यूनिट कन्वर्जन मुझे कितना आता है, क्योंकि आपने जैसा बोला कि आपको कुछ यूनिट कन्वर्जन लग जाते, कुछ नहीं लगते। होता है कभी कभी कि हमें कुछ यूनिट कन्वर्जेंस नहीं हो पाते। और याद रहे कि गेट एग्जामिनेशंस में भी, जैसे CSR एग्जाम्स होते हैं, वैसे गेट एग्जामिनेशंस में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके नहीं करने के लिए बने होंगे। इस बार भी ऐसे 2-4 क्वेश्चंस होंगे, 1-2 न्यूमेरिकल्स होंगे और 2-4 थ्योरीज होंगी। कुल मिला जुला के 3-4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो करने के लिए बने ही नहीं होंगे। वो बहुत इत्तेफाक है कि कोई कर गया तो कर गया, लेकिन नहीं होते, क्योंकि ऐसा होता तो टॉपर जो है वो 60-70 नंबर जो लेके आता है वो 100 नंबर लेके आता है, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है, कोई नहीं कर पाता है वो क्वेश्चन। तो उन चीजों के ऊपर अभी तो एकदम फोकस ना करें। ये समझिए कि आपने तैयारी इनफ कर रखी है, थोड़ी बहुत गलतियां होने के चांसेस हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन आए जरूरी भी नहीं है। तो इस चीज को नेगेटिव पॉइंट ना लेके जाए, नहीं तो आप डरेंगे फालतू का और आप अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे, इसका कोई भी एडवांटेज एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा नहीं। तो बी कॉन्फिडेंट, जहां तक आपने किया है बार बार फॉर्मूले को रिवाइज कर ले, फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके थ्रू एग्जामिनेशन।